क्या इंडिया गठबंधन की ताकत से डर गई है बीजेपी, जिसके चलते उसने चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो हैं वो 6 फरवरी तक स्थगित कर दिए हैं। मुद्दा है चंडीगढ़ का। दोस्तों चंडीगढ़ का मुद्दा तो बहुत ही शॉकिंग है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव हो रहे थे बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को, और इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कायम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन है उसमें आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। अब ये जो गठबंधन बनने के बाद उन्हें चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में साफ जीत मिलने वाली, मगर फिर भाजपा ने और प्रशासन ने एक दांव चला, उन्होंने चुनावों को 6 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। कैसे? पहले कहा कि भाई प्रेजाइडिंग ऑफिसर बीमार है, फिर कोई और ऑफिसर बीमार हो गया, यानी कि बीमारी का बहाना देकर इन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनावों को ही मुलतवी कर दिया, जबकि वहां पर इंडिया गठबंधन को बहुत ही आसान जीत मिलने वाली थी। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चंडीगढ़ के मेयर चुनावों के लिए आप यह हरकत कर रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि लोकसभा चुनावों में क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए जाएंगे जब आप चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में खुलेआम ये काम कर रहे हैं। सुनिए राघव चड्ढा कह क्या रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अपनी हार को सामने देख एक डरी हुई बौखलाई हुई कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं, 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है, लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। पहले इन लोगों ने, सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया, आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। मैं आज आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड प्रशासन ने चुनावों को 6 फरवरी तक क्यों मुलतवी कर दिया? आखिर क्या वजह है? क्या भाजपा में इंडिया गठबंधन को लेकर नर्वसनेस है? क्योंकि खबरें यह भी आ रही है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर भी भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन लगभग हो गया है। यह बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर, ऐसी बातें हैं, हो सकता है यह पलट भी सकता है, मगर वहां पर भी लगभग गठबंधन हो गया है। दोनों ने गठबंधन चंडीगढ़ में किया और उसकी उन्हें सफलता भी दिख रही थी, भाजपा इससे बौखला गई, लिहाजा उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर के चुनावों को 6 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा, नोटिस जारी किया है कि भाई आपने क्यों मुलतवी किया, और इस पर प्रशासन ने बहुत ही वाहियात तर्क दिया। तर्क यह दे दिया कि भाई प्रेजाइडिंग ऑफिसर बीमार पड़ गए थे, इसीलिए राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीमार तो बीजेपी है, बहाने क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या हार को लेकर भाजपा बौखला गई है? बहरहाल प्रशासन क्या कह रहा है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इन परस्यूएंस टू द रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ड्यू टू स्केड्यूल इलेक्शंस ऑफ द मेयर एंड डेप्यूटी मेयर एंड रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल सुपरिंटेंडेंट विथ रिगार्ड टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ अपॉइंटेड नॉमिनेटिंग प्रेजाइडिंग अथॉरिटी अनिल मसी ड्यू टू इल हेल्थ द ऑर्डर इज इश्यूड। जिक्र किया जा रहा है कानून व्यवस्था का, वो कहा जा रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। मैं एक बात समझना चाहता हूं, चंडीगढ़ एक शहर है ना, अब तो पंजाब में आतंकवाद भी नहीं है, तो ये किस लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है? यानी कि चंडीगढ़ में भी इनसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा है? किस तरह के वाहियात तर्क दिए जा रहे हैं अपनी हार को टालने के लिए? इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि क्या लोकतंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की एलर्जी है कि क्या संघीय ढांचे को आप इस तरह से नेस्तनाबूद करते रहेंगे? क्योंकि बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने जो बात कही
कि किस तरह से राज्यों को उनका हक नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री ने उसका विरोध किया था, और अब चंडीगढ़ के मेयर चुनावों का मुलतवी किया जाना, ये दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बतलाया जाता है कि देश के विपक्ष को लेकर भाजपा का क्या रुख है, और दूसरी तरफ अगर राज्यों को पैसा दिया जाता है ज्यादा, उसको लेकर भाजपा का क्या रुख है, खुद प्रधानमंत्री का क्या रुख है। ये तमाम चीजें हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इस पर सवाल किया जाना जरूरी है। क्या यह लोकतांत्रिक रवैया है? क्या यह देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है? क्या भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष से एलर्जी है? क्या साम दाम दंड भेद से वो अपनी मशीनरी के दबाव से विपक्ष को बर्बाद कर देना चाहता है? एजेंसीज के सहारे आपने पहले ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में बंद कर रखा है। अब आप ऐसे रास्ते, ऐसे हालात बना देना चाहते हैं कि कोई चुनाव भी ना लड़ सके, और वो भी चंडीगढ़ मेयर चुनावों को लेकर। निहायत ही शॉकिंग, निहायत ही शर्मनाक। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।